तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा धान की खेत। तो धान की खेत कैसे होता है, यानी जो जो हाइब्रिड धान है, जो एडभंडा है, वो धान कैसा होता है, इसे धान आप लोगों को दिखाऊंगा धान की खेत। और इसमें बीमारी क्या होता है, कौन सा बीमारी आती है, तो आप लोगों को बताऊंगा। तो ये है हमारा धान की खेत, ये देखिए एडभंडा धान की खेत। लेकिन इसमें कुछ जितना होता है इसमें और उतना भी परेशानी भी है, इसमें एक बीमारी भी होता है। ये देखिए कितना हुआ है, इसका जो दाना है, दाना भी बहुत बड़ा होता है। ये देखिए कितना हुआ है, एक ही सरा में कितना धान है, ये देखिए। लेकिन इसमें एक बीमारी आ जाती है अचानक, तो उस बीमारी के लिए हम लोगों को कौन सी दवाई देना है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो ये देखिए इसमें, ये देखिए ये एक धान की जो ये है, तो ये मर गया है। ये देखिए ये एक बीमारी है, तो इसको हम कैसे निकालें खेत से। तो ये देखिए कितना सुंदर हो रहा है खेत, लेकिन इसमें क्या है, कुछ बीमारी आ गया है। और उस बीमारी के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसका जो दवाई है वो दवाई देना है खेत में, तो उसके बाद उस बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक स्प्रे मशीन लेना है, और उसके बाद आप लोगों को एक मेडिसिन लेना है ख़रीद करके बाज़ार से, उसका नाम है साफ, जो एग्रीकल्चर में यूज़ करता है वो साफ लेना है। और वो साफ लेने के बाद वो साफ स्प्रे करके देना है। स्प्रे करके देने के बाद इस तरह का जो धान का जो खींचा है, ये देखिए इसे मरना बंद हो जाएगी। जब मरना बंद हो जाएगी तो आपके खेत में 100% जो प्योरिटी होता है, उस तरह का खेत होगा। ये देखिए कितना हुआ है, ऐसे धान होने से आपका एक बीघा में 40 मन से ज़्यादा धान होता है एक ही बीघा में, यानी आपको 20 क्विंटल से भी ज़्यादा होता है इसी खेत में। अगर अच्छी तरह से आप लोग पानी देगी तो आप लोगों का जो धान का खेत है, खेत में हो जाएगा। ये देखिए कितना हो रहा है, वाह, ये देखिए ये धान ही धान है, ये देखिए धान ही धान है। तो अगर आप लोगों को खेत में बीमारी है तो आप लोग यूज़ कर सकती हैं इसे मेडिसिन। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इसको कैसे काटना है और कौन सी मंथ में कटना है, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू सो मच।